जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है आकाश मौर्य और आप सभी लोग का आपके अपने चैनल आल क्यूपी स्टडी पर बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, बीएचयू एंट्रेंस एग्जाम का जो है एग्जाम डेट नजदीक आ चुका है और आप लोगों को सुबह मैंने बताया था कि आप लोग जो है अपना एडमिट कार्ड कैसे निकालेंगे है, तो वहाँ पर जो है बहुत सारे लोगों का जो है एडमिट कार्ड निकल गया है, बट यहाँ पर बहुत सारे लोगों का जो है एडमिट कार्ड टेल नॉट अवेलेबल दिखा रहा है। तो आप लोग जो है जिन लोगों का ये चीज़ दिखा रहा है वो लोग क्या करेंगे है, पूरा इन्फॉर्मेशन आज की इसी वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा। साथ साथ बताऊंगा कि आप लोग जो है इस प्रॉब्लम को जो है कैसे सॉल्व करेंगे, सारी इन्फॉर्मेशन इसी वीडियो में आप लोगों को दी जाएंगी। तो वीडियो को पूरा एंड तक देखते रहना और आप लोगों से रिक्वेस्ट है, यदि आप लोगों ने वीडियो पर अभी तक लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर देना, यदि नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना, ठीक है। तो हम लोग चलकर देख लेते हैं वेबसाइट पर पूरी इन्फॉर्मेशन क्या क्या दिया गया है। तो फ्रेंड, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं, मैं जो है ऑफिशियल वेबसाइट पर आ चुका हूँ। यहाँ पर भी आप लोग देख सकते हैं बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी यहाँ पर दिया गया है। और आप लोगों को मैं एक चीज़ यहाँ पर पहले क्लियर कर देना चाहता हूँ, ठीक है। यहाँ पर आप लोगों का यूईटी से तात्पर्य होगा आप लोगों का जो है यह यूईटी, ठीक है। इससे तात्पर्य आप लोगों का यह होता है कि आप लोगों का बीएड का जो है यह बीएड और आप लोगों का जो है एलएलबी, ठीक है, इन जो है कोर्स जो लोग यहाँ पर जो है एग्जाम देना है जिनको जो है उनके एडमिट कार्ड जो है यहाँ पर दिए गए हैं, ठीक है। और मैं आप लोगों को यहाँ पर बता दूं, आप लोगों को साथ जो है आप लोग कहीं और जो है ये देखा होगा या फिर आप लोगों को ये चीज़ अगर दिमाग में आप लोगों को आ रहा है कि यूईटी का आप लोगों का तात्पर्य जो होगा वो आप लोगों का बीए, बीएससी और जो है आप लोगों का बीकॉम, ठीक है। यदि आप लोग इनसे तात्पर्य रखते हैं तो आप लोगों का सोच यहाँ पर गलत है, ठीक है। तो मैं आप लोगों को बता दूँ, यूईटी का मर्थ होता है आप लोगों का जो है आप लोगों का बीएड और एलएलबी जैसे जो है सिलेबस वहां पर रहेंगे, वहां पर जो है ऐसे एग्जाम वहां पर आते हैं। जबकि आप लोगों को बीए, बीएससी, बीकॉम का जो होता है वो यूजी के अंतर्गत आता है, ठीक है। तो आप लोग ये कन्फ्यूजन यहाँ से निकाल दीजिएगा अपने मन से, जो है ये चीज़ें निकाल दें। जिनका जो है यूजी यहाँ पर दिया रहेगा, अभी यूजी का जो है आप लोगों का एडमिट कार्ड नहीं आया है, क्योंकि मैंने वहाँ पर देखा जो है कमेंट करके बहुत सारे लोग पूछ रहे हैं। यदि जब मैंने उनसे जो है पूछा, वहाँ पर जो है हमारे टेलीग्राम पर जो है अलग अलग प्रकार के जो है कमेंट कर रहे थे, तो मैंने वहाँ पर उन लोगों को बताया। कुछ लोग तो कह रहे थे कि जो है ये चैनल पर गलत जानकारी देता है, इस प्रकार से जो है चैनल को जो है डिलीट कर दो यहाँ से जो है अपने जो है, और कुछ लोग तो अलग अलग जो है अनाप शनाप बके जा रहे थे। तो मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ, यहाँ पर आप लोग जो भी जानकारी दी जाएगी 100% सही जानकारी दी जाती है। मैं आप लोगों को जरा सा भी गलत जानकारी नहीं देता हूँ, बट यहाँ पर मैं आप लोगों को बता देता हूँ, यूजी का अर्थ होता है आप लोगों को बीए, बीएससी, बीकॉम से संबंधित, ठीक है। तो अभी यूजी का जो है आप लोगों का एडमिट कार्ड तो आया नहीं है, तो आप लोग जो है फालतू में ही जो है परेशान हो रहे हैं। अब मैं बता दूं आप लोगों को यूजी का एडमिट कार्ड कब आएगा। यूजी का एडमिट कार्ड आप लोगों को जो है एग्जाम के डेट से जो है एक सप्ताह पहले जो है आप लोगों का एडमिट कार्ड जारी किया जाता है। लेकिन यदि इस बार जो है आप लोगों को प्रशासन जो है पहले रिजल्ट जो है सॉरी पहले एडमिट कार्ड आप लोगों का जारी करता है तो वो अलग बात है, बट जो है हमेशा की तरह जो है मैं बता रहा हूँ आप लोगों का जो है एवरेज जो है आप लोगों का एक सप्ताह पहले जो है एग्जाम के एक सप्ताह पहले आप लोगों का यूजी यानी कि बीए, बीएससी और बीकॉम वालों का एडमिट कार्ड आएगा। अभी जो एडमिट कार्ड जारी किया गया है वो आप लोगों का जो है यूईटी का जारी किया गया है, यानी कि जो है बीएड वालों का जो है और जो है एलएलबी वालों का जो है इस प्रकार के जो एग्जाम देने हैं जिन लोगों को जो है उनके लिए जो है एडमिट कार्ड जो है जारी किया गया है। अब यहाँ पर भी जो है आप लोग बहुत सारे लोगों को सवाल बन रहे हैं कि मेरा एडमिट कार्ड जो है वो नहीं निकल रहा है। तो यहाँ पर मैं आप लोग क्या समस्या आ रही है मैं आप लोगों को यहाँ पर दिखा दे रहा हूँ। जैसे कि मैंने जो है यहाँ पर एक जो है यहाँ पर डायल किया हुआ हूँ, यहाँ पर लिखा हुआ है, तो उसमें जो है आप लोगों का एडमिट कार्ड टेल नॉट अवेलेबल वहाँ पर लिख रहा है। सॉरी, मैं बैक करके वापस आ चुका हूँ, तो यहाँ पर जो है इसके लिए मैं आप लोगों से माफ़ी चाहता हूँ। तो यहाँ पर आप लोगों का जो लिख रहा है एडमिट कार्ड टेल नॉट अवेलेबल वहाँ पर दिखा रहा है, तो यहाँ पर मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ, यहाँ पर बहुत सारे लोगों का जो है एडमिट कार्ड जो है वो शो नहीं कर रहा है। क्यों नहीं शो कर रहा है उसका भी जो है मैं आप लोगों को बता देता हूँ रीजन जो है वो जो इसलिए शो नहीं कर रहा है क्योंकि आप लोगों को जो है एडमिट कार्ड जो है यहाँ पर यही चीज़ आप लोगों को बता रहे हैं। यहाँ पर देख सकते हैं एडमिट कार्ड टेल नॉट अवेलेबल, यहाँ पर आप लोग जो है इस चीज़ को जो है देख पा रहे होंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोगों को ये शो कर रहा है, तो इसका मतलब होता है कि अभी तक आप लोगों का जो है एडमिट कार्ड जो है वो जारी नहीं किया गया है। क्यों जारी नहीं किया जा रहा है, क्योंकि आप लोगों के एडमिट कार्ड में जो है बहुत सारी दिक्कतें आ गई हैं। अब क्या दिक्कतें आई हैं, तो यहाँ पर जो है बहुत सारे लोगों का जो है फोटो जो है फोटो चेंज हो गया है, तो कुछ लोगों का नाम जो है बदल गया है। तो इन्हीं सारी दिक्कतों की वजह से जो है अभी तक आप लोगों का एडमिट कार्ड जारी नहीं किया गया है। आप लोगों को जो है पोस्टल पर जो है बहुत सारे जो है लोगों का एडमिट कार्ड जारी कर दिया गया है, बट यहाँ पर बहुत सारे लोगों का अभी तक एडमिट कार्ड जारी नहीं किया गया है। तो जिन लोगों का जो है अभी तक जारी नहीं किया गया उनको वेट करना चाहिए, एक दो दिन का है, जल्द ही उनका एडमिट कार्ड आ जाएगा। और जिन लोगों का एडमिट कार्ड जो है गलत हो गया है,
तो वो जो है मैं आप लोगों को वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो है वहाँ पर एक जो है आप लोगों को ट्विटर लिंक दूंगा, वहाँ पर आप लोग ट्विटर पर जो है कमेंट कर दीजिएगा। और उसके बाद यदि वहाँ से भी सुनवाई नहीं होती तो आप लोग जो है अपना ईमेल आईडी को प्रिंट आउट करा लेना, उसके बाद जो है अपना एडमिट कार्ड जो प्रिंट आउट कराए रहना है, उसके साथ साथ जो है दो फोटो और जो है जितने भी फार्म आपके पास रहेंगे सभी के जो है दो दो कॉपी लेकर आप लोगों को जो है वहां पर एग्जाम सेंटर में जाना पड़ेगा। वहां पर जो है आप लोगों का ये नहीं है कि आप लोगों को एग्जाम नहीं देने दिया जाएगा, एग्जाम आप लोगों को देने दिया जाएगा। उसके बाद वहां पर भी आप लोगों को जो प्रॉब्लम रहेंगे उसको वहां पर जो है सोल्यूशन बताएंगे वो लोग आपको, ठीक है। तो आप लोग बिल्कुल भी परेशान ना हो जाइएगा कि आप लोगों का अभी तक एडमिट कार्ड नहीं आया, तो एडमिट कार्ड आप लोगों का जो है कुछ दिक्कतें हैं बट आप लोगों को एडमिट कार्ड जो है जल्दी ही आ जाएंगे, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा, जब वीडियो को अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना, क्योंकि आप लोगों को हमारे चैनल पर जो भी जानकारी दी जाएगी वो सही और सटीक जानकारी दी जाएगी। तो फ्रेंड्स हम लोग ऐसी नई जानकारी के साथ नई वीडियो मिलेंगे, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।